रहे हैं वीआईपी टेक्निक। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एलजी मिक्सर ग्राइंडर। तो किस प्रकार का रहने वाला है ये मिक्सर ग्राइंडर, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। कितनी प्राइस रहने वाली है, किस प्रकार की क्वालिटी रहने वाली है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए, भाई का नाम है कमल। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 750 वाट का ही मिक्सर ग्राइंडर रहने वाला है, और यहाँ पे ओरिजिनल एलजी का मिक्सर ग्राइंडर नहीं रहने वाला है, डुप्लीकेट कॉपी है। तो आप इसे बिल्कुल मत खरीदिए, काफ़ी ज़्यादा बेकार क्वालिटी रहने वाली है इसकी। अगर आपका नॉर्मल यूज है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज मत लें। तो 12 मंथ की इसकी ओनली मोटर की वारंटी रहने वाली है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और 3000 वाला मिक्सर ग्राइंडर है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर चित्र पर दिखाया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है ये। तो इसे अनबॉक्स करते हैं, तो चलिए इसे खोलते हैं। तो यहाँ पर पन्नी है, कुछ फेंक देते हैं साइड में, इसका कोई यूज नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका यूजुअल मैनुअल सबसे पहले हम देखेंगे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। इसके यूजुअल मैनुअल में आप देख सकते हैं प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई लिखी हुई है, 4999 रुपये लिखे हैं, बिल्कुल भी इतने का नहीं मिलने वाला है ये। काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाता है, आपके मार्केट में अदर प्राइस में मिल सकता है। हमारे प्राइस में, हमारे मार्केट में ये 1600 रुपये में मिला है, आपके अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। तो चलिए इसे देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हमें अंदर मिलता है, क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका कुछ ढक्कन है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा वाला ढक्कन है। इसमें रबड़ की एक रिंग दी गई है जो काफ़ी अच्छा है, जिससे काफ़ी अच्छी ग्रिप बन जाती है। यहाँ पे इस पर भी दी गई है, ये सबसे बड़े वाला का ढक्कन है। तो इसके जार देखते हैं, तो देख सकते हैं सबसे बड़ा वाला है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे इसकी तो बिल्कुल नहीं किसी में, फिर भी ज़्यादा नहीं किसी, क्योंकि इसका हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसका हमने इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें घिस चुके हैं, यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। और मिक्सर ग्राइंडर में भी सेम ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये काफ़ी आपको चीप प्राइस में मिल जाते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप कोई अच्छा सा मिक्सर ग्राइंडर लें, इस प्रकार का मिक्सर ग्राइंडर ना लें। तो ये सबसे छोटा है, इसमें रिंग नहीं दी गई है, क्योंकि ये और ये एक सेम साइज के हैं, तो एक दूसरे में काम कर जाते हैं। तो इसकी रिंग इस पर डाल सकते हैं आप, और देखते हैं क्या रहने वाला है इसके अंदर। तो ये इसकी मेन इंजन है, इंजन ही कहेंगे, देख सकते हैं इसके बिना तो मिक्सर ग्राइंडर चल नहीं सकता। तो इसकी क्वालिटी कैसी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो दिखा सकता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं, किस प्रकार से कितनी स्पीड में चल रहा है, क्या इंडिकेट करने के लिए आपको बताया गया है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आपको नहीं देखने को मिलता है, ऐसा तो होना चाहिए, नहीं तो हमको पता नहीं चलता कितनी स्पीड में चल रहा है मिक्सर ग्राइंडर। तो इसे तो लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। और ये फर्स्ट यहाँ पर कमी लगी, और दूसरी कमी वही थी, ये देख सकते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा घिस चुके हैं। और मिक्सर ग्राइंडर में भी सेम हाल हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा घिस चुके हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घिसे हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ, इस प्रकार का मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल मत खरीदना, काफ़ी ज़्यादा घिस रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ओवरलोड स्विच होता है वो भी इधर पर दिया गया नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा, काफ़ी जल्दी फूक जाएगा अगर ये ओवरलोड हो जाता है। तो इसका कम से कम इस्तेमाल करना है आपको, इसे हीट होने से बचाना है आपको, नहीं तो ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा। ओवरलोड स्विच दिया होता तो ये जल्द काफ़ी लॉन्ग टाइम तक का सही रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रिप बन जाएगी। और कुछ ना भी दे तो ये ओवरलोड स्विच तो देना चाहिए था, नहीं तो ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाने वाला है। आपको इस प्रकार का कोई भी मिक्सर ग्राइंडर नहीं खरीदना है, ये काफ़ी चीप प्राइस में तो मिल जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं रहती, काफ़ी बेकार सी क्वालिटी रहती है इसकी। तो देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको और इसके जार वार क्या है इसकी क्वालिटी। प्लास्टिक का तो फिर भी इसमें ठीक ठाक इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो ये काफ़ी जल्दी घिस जा रहे हैं।
तो एक और चीज दिखाना चाहूंगा मैं, जो इस मिक्सर ग्राइंडर में पाना आपको दिया गया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इसके यूजर मैनुअल में देख सकते हैं, इसकी यूजर मैनुअल है। यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर भी रखी हुई है, इसका ही यूजर मैनुअल है। इसमें यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि इसके अंदर स्पिनर पाना दिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ओवरलोड के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है, इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई स्विच देखने को आपको नहीं मिलता है, देख सकते हैं इस पर साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ही घर में असेंबल मिक्सर ग्राइंडर रहने वाला है, आप इसको बिल्कुल मत खरीदिए। मार्केट में बॉक्स बॉक्स आसानी से मिल जाते हैं, लोकल हो रहते हैं, लोकल मिल जाते हैं, काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाते हैं। और असेंबल करने के बाद इसमें ये लगा दिया जाता है टैटो LG कंपनी का, तो उसके बाद भेज दिया जाता है। आपको इस प्रकार के मिक्सर ग्राइंडर को ख़रीदने से बचना है। तो फिलहाल मुझे इतना ही कहना था, इसके लिए मैंने वीडियो में कट लगाने के बाद वीडियो डालनी पड़ ली है, क्योंकि आपको पूरा सावधान करना है मेरे को। तो मेरा मतलब ये है।